सो हे गाइस, कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी एकदम मस्त होंगे। ओ भाई, मैं भी मस्त हूँ, मतलब मस्त हो गया कसम से। मैंने यार आपकी कमेंट पढ़ी ना, इतनी प्यारी प्यारी कमेंट भाई, यार दिल खुश हो गया। सीधा यहाँ पे टच करते हैं यार, मजा आ गया। आप सबकी कमेंट पढ़ के ऐसी प्यारी प्यारी कमेंट करते रहना। देखो हुआ क्या, कल मैंने जैसे ब्लॉग अपलोड किया ना, उसके बाद मैंने रिप्लाई नहीं दे पाया, थोड़ा मैं बिजी हो गया था। और भाई मैं शाम को जल्दी सो गया था, भाई 4-5 बजे में सो गया, और 4-5 बजे के बाद सीधा मैं 9 बजे उठा खाना खाने के लिए। खाना खाने के बाद मैं फिर से सो गया। अभी 9:30 बजे सुबह उठा था मैं, फिर मैंने आप सबकी कमेंट की रिप्लाई की, और रिप्लाई करने के बाद भाई जो फील हुआ ना गाइस, मजा आ गया। मतलब लव यू ऑल, लव यू। ऐसी प्यारी प्यारी कमेंट करते रहना, मैं आपके लिए ब्लॉग बनाता रहूँगा गाइस। तो अभी बज रहे हैं 11, और खैर मम्मा बना रही है अभी खाना। खाना बनते ही हम खाना खाएंगे और फिर सीधा निकलेंगे ब्लॉग के लिए। सोच रहा हूँ बॉबी के गांव जाऊंगा, तो बॉबी के गांव में आपको दिखा दूंगा, मतलब है ना। और गाइस, मैंने पिछले ब्लॉग में कह दिया था कि मैं एक दिन छोड़ के ब्लॉग बनाऊंगा, तो आप में से बहुत से लोग नाराज हो गए कि डेली ब्लॉग चाहिए तो चाहिए। तो भाई ठीक है, डेली ब्लॉग करेंगे। सो आज से भाई मैं प्रॉमिस करता हूँ कि डेली ब्लॉग करूँगा। मतलब देखो, ऐसा नहीं है कि मैं कभी कभी यार कभी कभी कोई प्रॉब्लम हो जाए तो कभी कभी नहीं डाल पाऊंगा, लेकिन भाई अब डेली ब्लॉग आएंगे। लेकिन कभी कभी छूट जाए तो उसके लिए माफ़ करते हैं ना, क्योंकि लाइफ है भाई, कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स हो जाती हैं। लेकिन और कुछ बताना है वो आगे बताऊंगा। सो यहाँ अपनी बाइक 300 भाई, अच्छा KTM कराना है, वरना पेट्रोल डलाते डलाते पागल हो जाते। 300 सही है भाई, पेट्रोल सिर्फ सूंघती है और बहुत चलती है। तो चलते हैं गाइस। सो अभी हम भाई बीच रास्ते में बॉबी के गांव जा रहे थे, जैसा कि मैंने आपको बताया। भाई ये सीन जो है भाई नेक्स्ट लेवल है भाई, नेक्स्ट लेवल। मतलब जो शहर में रहते हो ना, देखने के लिए नहीं मिलता होगा, बट हम दिखाएंगे हम किस लिए हैं भाई। बॉबी के गांव में तो मस्त मस्त सीन है। सो चलते हैं। अभी हम नदी से बस थोड़ा ही दूर है, वहाँ पास में नदी है, कोरा है, कुछ दिख नहीं रहा है यहाँ से। और पीछे है बॉबी और बॉबी के ताऊ का लड़का रवि। तो बस थोड़ा दूर और फिर हमें देखने को मिलेगी चंबल रिवर। सो फाइनली भाई रिवर आ गई है, देखो मैं दिखाता हूँ। ये देखो भाई चंबल, ये है चंबल। वैसे पता है ये सरसों जो है भाई वो रेत में है भाई, ये पूरा रेत है, वो देखो ये रेत है भाई, उस साइड थोड़ी मिट्टी है उस साइड, बट यहाँ पे पता नहीं कैसा रेत है। और भाई वो है रिवर, चलो चलते हैं गाइस। हम तो हो गए जमा, धीरे धीरे थाला मार।
दी पूरी, और विकास के जूते खो चुके थे, पता नहीं कहाँ रख के आ गया है जूते। अब जूते ढूंढने में लगा है तो पता नहीं जूते उसे मिले भी हैं या नहीं, चलो चल के देखते हैं। तो ये बैठा है, इसको जूते मिल चुके थे, पता नहीं कहाँ कहीं रख के गया और कहीं ढूंढने लगा था। फाइनली इसको जूते मिल गए हैं और अब हम जा रहे हैं घर पर। सो अभी हम जा रहे हैं भाई रेत से चल चल के घर, चला नहीं जा रहा रेत में, और पता नहीं कैसे इतनी जल्दी यहाँ पे अंधेरा होना स्टार्ट हो गया है। 3:30 हो गए भाई और अंधेरा होना स्टार्ट हो गया हल्का हल्का, और भाई हम चल रहे हैं भी रेत में, अंधेरा होने लगा ये, और भाई ये रेत में चल रहे हैं, पीछे सारा रेत 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 रेत, स्टार्ट में जाना है, चलते हैं। बाबू के घर जाते हैं, बाबू के घर का कुछ सीन बताता हूँ मैं कि क्या होता है यहाँ पे भाई, क्या प्रॉब्लम होती है लोग अभी। अरे घर यहाँ से कम 1 किलोमीटर दूर है, 1 किलोमीटर दूर है, तो चलते हैं घर, बने रहिए। इस पेड़ की हालत देखो गाइस, भाई बाढ़ आने की वजह से इस पे कितना कचरा इकट्ठा हो गया है, सूखा हुआ पेड़ है, बाढ़ बाढ़ आती रहती तो भाई कचरा वचरा इकट्ठा हो रखा है इस पे। अभी हम आ गए भाई बॉबी के घर पे, दिखाता हूँ मैं, ये जो है बॉबी का घर है, ये मौसी का घर है, और भाई ये पूरा बॉबी का परिवार ही है यहाँ पर। यहाँ पे अगर आपने मेरी वीडियो देखी हो तो वो वाली शहर की छोरी, तो यहीं कहीं बनी है गाइस, यहीं पूरे तेरिया में वहाँ तक। आप देखना अगर नहीं देखी हो तो मेरे मेन चैनल पर जाकर, कॉमेडी वाले चैनल पर जाके वीडियो देख लेना। अक्सर यहाँ पे क्या होता है भाई, पानी ज़्यादा हो जाता है मतलब नदी में, तो बाढ़ बाढ़ आ जाती है, पूरा घर वर डूब जाते हैं, फिर इन लोगों को जो गांव है भाई आगे चल के वहाँ पे रहना पड़ता है, जो गवर्नमेंट स्कूल वगैरह होते हैं वहाँ पे, तो बड़ी प्रॉब्लम होती है यहाँ पे अक्सर। तो ऐसा ही है भाई, खेत वेत की दिक्कत हो जाती है, मतलब जो भी फसल करते हैं वो सारी ख़राब हो जाती है। ख़राब होने के बाद फिर अब इस साल तो क्या किया, दोबारा कर दिए, फिर जैसी ही बाढ़ गई उसके बाद फिर दोबारा करना पड़ा भाई, यहाँ पे पूरा कीचड़ कीचड़ हो जाता है, वो साफ़ करो, मतलब बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती हैं। अब आप ही समझो कि भाई खुद का घर जो है पूरा पानी में डूब जाए, फिर दूसरे गांव में जाके कहीं सरकारी स्कूल में रहना कितना बुरा हो सकता है। और फिर भाई खाने वाने की प्रॉब्लम्स, लोग आते हैं 2 पूड़ी दे के 4 फोटो खींच के ले जाते हैं, भाई क्या मतलब है भाई ऐसा, किसी की हेल्प करनी हो तो भाई दिखावा मत करो, सिर्फ हेल्प करो, ऐसा ही है। तो ऐसा ही हाल है यहाँ पर भाई, घर भर डूब जाते हैं, फिर साफ वाफ करने पड़ते हैं। बॉबी को पूछो भी क्या हाल होता है, बॉबी कुछ बताएगा। सो गाइस कम से कम यहाँ से नदी है 1 किलोमीटर दूर है, तो 1 किलोमीटर दूर से यहाँ से भी फिर 3 किलोमीटर दूर तक पानी पहुँच जाता है। तो यहाँ जब पानी का लेवल होता है ना, वो कम से कम छत के और ऊपर तक, कम से कम 2 मंजिल हो गई ना, तो उसके ऊपर भी पानी चला जाएगा, इतना पानी आता है। सो बहुत प्रॉब्लम्स होती है, मतलब दूसरे गांव में जाके स्टे करना, रहना वहना, खाने पीने की प्रॉब्लम्स हो भाई, तो भाई नेक्स्ट। और भाई गवर्नमेंट तो भाई कुछ करती वरती नहीं, सही बताऊँ तो ये इतना बेकार खाना क्या मतलब भाई। और भाई लोग आते हैं भला करने के लिए, वो सिर्फ दिखावा करते हैं, गाइस हम इनकी हेल्प कर रहे हैं भाई, 400 फोटो लिए 2 पूड़ी दी, बस क्या मतलब भाई। ओ भाई मत किया अगर भाई ऐसा करना है ना, तो भाई भले ही मत किया करो, फोटो वोटो मत लिया करो, किसी की हेल्प करनी है तो भाई दिखावा मत करो, हेल्प करो। तो बस यही है, इनका बहुत बुरा हाल हो जाता भाई। अभी अभी ने कुछ टाइम पहले घर वर साफ किया था, मैं उस टाइम ब्लॉग नहीं करता था वरना मैं आपको सबको दिखाता। तो अभी तो भाई फिलहाल यहाँ पे खेत वेत में पानी वानी दिया गया है, फसल वसल भाई यहाँ पे सरसों रखी है, ये भाई रवि और वो सरसों वरसों रखी है, और नदी तो हमने आपको दिखाई दी है। तो फिलहाल भाई अंधेरा हो रहा है, यहाँ से घर 15-20 किलोमीटर दूर है, तो चलते हैं अंधेरा होने से पहले भाई, भेड़ी लागा है कुछ चलता बलता है नहीं, तो चलो घर चलते हैं। अभी बज रहे हैं 9:30, मैं घर तो बहुत पहले पहुंच गया था, लेकिन भाई अभी ब्लॉग को एंड करने की बारी है। तो भाई मैं बता दूं कि जब मैं रिवर पे था, चंबल रिवर पे, तब भाई 10K कंप्लीट हो गए गाइस, यार कसम से इतनी खुशी हो रही ना कि भाई मैं इतनी सालों से मेहनत कर रहा हूँ भाई, और अब जाके कुछ अच्छा होने लगा है लाइफ में, मतलब अब जाके भाई सक्सेस मिलने लगी है। तो बस ऐसे सपोर्ट करते रहना ना गाइस भाई, कसम से मैं सोच रहा था मतलब के सेलिब्रेट वगैरह करेंगे, केक कट वगैरह करेंगे, आप लोग भी कमेंट कर रहे थे कि 10K पे कुछ स्पेशल बनाना, बट यार सच बताऊँ तो अभी पैसे वैसे की बहुत प्रॉब्लम है मेरी, पेमेंट वेमेंट भी नहीं आई अभी, तो एडसेंस पिन भी आना है, तो भाई उसके बाद देखेंगे कुछ सेलिब्रेट वगैरह करेंगे पेमेंट आने पर, लेकिन अभी भाई नहीं कर सकते, थोड़ी प्रॉब्लम चल रही है भाई, हालात ख़राब है, बट कोई ना भाई आगे चल के 20K पे या फिर आगे पेमेंट आने के टाइम पे करेंगे। और भाई अभी 10K किए ना, तो जल्दी 100K करो, क्योंकि भाई 100K पे कुछ ऐसा है जो भाई आप में से मेरे हिसाब से तो किसी को पता ही नहीं होगा, और भाई किसी को नहीं पता, किसी को अभी, और भाई जो सोच सकता है ना कि 100K पे ऐसा क्या होगा, तो भाई कमेंट कर दो, मैं बता देता हूँ, थोड़ी सी हिंट दे देता हूँ,
कि 100K पे भाई मेरी एकदम लाइफ चेंज हो जाएगी, मतलब जो मेरा सपना है ना वो पूरा हो जाएगा भाई। जिस जो सपना मैं दिन रात देखता हूँ वो 100K पे पूरा होगा, जो मुझे चाहिए वो 100K पे मिल जाएगा, मेरे सपना भाई 100K पे पूरा होगा। सो क्या है वो आप कमेंट में बता सकते हो भाई। मैं 100K होने तक कुछ नहीं बताने वाला, 100K पे ही बताएंगे जो होगा वो। लेकिन भाई ऐसे सपोर्ट करते रहो जल्दी जल्दी, बस 100K 100K, अभी तो क्या बहुत टाइम है, बट मैं मेहनत करना नहीं छोड़ूंगा गाइस जब तक 100K नहीं कर लेता। अब भाई डेली ब्लॉग आते रहेंगे, कभी कभी ब्लॉग लेट हो जाए तो माफ़ कर देना, बट मैं पूरी कोशिश करूंगा कि डेली ब्लॉग डालूं, क्योंकि भाई अभी 10K हुए ना, 100K करने हैं। सो थैंक यू सो मच इतने सारे प्यार के लिए, लव यू ऑल, और अपना अपना ध्यान रखा करो, और आप सब मेरी केयर करते हो ना, इतना अच्छा लगता है ना कमेंट भाई, मतलब सच में यार आपकी कमेंट पढ़ के ना जो दिल खुश हो जाता है कसम से, एकदम दिल को सीधा दिल को लगती है गाइस दिल को कमेंट, ऐसे ही कमेंट करते रहो, प्यार बनाए रखो, और सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को तो सब्सक्राइब कर देना है ना, अगर फर्स्ट टाइम देख रहे हो तो सब्सक्राइब तो कर ही देना, और आप सबको दिल से लव यू ऑल, जल्दी जल्दी सब्सक्राइब करो, जल्दी जल्दी 100K कर दो बस, अभी 10K ओ भाई अभी तो 10K हुए, 100K भी होने, 100K जल्दी जल्दी 100K करने हैं मुझे। अब भाई मैं डेली ब्लॉग डालूंगा, डोंट वरी, तो तब तक के लिए बाय बाय, और थैंक यू सो मच जितना भी बोलूँ तब का मैं भाई इतने सपोर्ट के लिए 10K हाँ, तो थैंक यू यार, बहुत खुशी हो रही है मुझे, बस देखेंगे पेमेंट आएगी तब सेलिब्रेट कुछ करेंगे, तो तब तक के लिए बाय बाय, लव यू ऑल, टाटा। और पता है तुम्हें ये जो 10K है ना वो हमने लगभग 1 महीने में ही पूरे कर लिए हैं, कुछ इधर उधर हैं बट भाई कसम से 1 महीने में पूरे कर लिए हैं, तो ऐसे सपोर्ट करते रहो, बाय बाय।